मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ओट क्लाउड के उत्पत्ति के बारे में बताया था, कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण अलग अलग आकाश गंगाएं बनी, बहुत सारे तारे का जन्म हुआ और वो तारा जीवन का वजूद बना। हर तारे के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रह ने अपना सौर कक्षा का निर्माण किया और अपने अपने तारे की परिक्रमा लगाने लगे। मैंने आप सभी को एक और चीज़ बताई थी कि ओट क्लाउड और काइपर बेल्ट एक ही होते हैं। मैं गलत था, मैं अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप सभी से। बहरहाल आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ और नोट करना हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका होस्ट फ्लेयर कॉस्मोस और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी रिकैप देख लो। इफ़ एनीथिंग इज डन और वर्क डन इज़ यूजफुल एंड इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस, वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ into E naught of the cell. Condition for spontaneity is delta G is less than zero. ये तो बात हुई spontaneous की, अब बात करते हैं hidden force of energy source के बारे में। Oort cloud को पहली बार Dutch astronomer Jan Oort, एक theoretical physicist ने 1950 में इसे discover किया था। इनके अनुसार हमारे सूर्य से लगभग 3.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। बताया ये गया था कि वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, पहला डिस्क शेप इनर ओट क्लाउड और दूसरा स्पेरिकल ओट क्लाउड। ये दोनों रीजन हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के दायरे में आते हैं। ओट क्लाउड की बाहरी सीमा और सौर मंडल की ब्रह्मांडीय सीमा और सूर्य के पहाड़ी क्षेत्र यानी हेलियोस्फीयर ऑफ सन को परिभाषित करती है। खगोलविदों का अनुमान है कि ओट क्लाउड की रचना करने वाला पदार्थ सूर्य के करीब बना और सौर मंडल के विकास की शुरुआत में विशाल ग्रह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अंतरिक्ष में दूर तक जाके फैल गया। हालांकि ओट क्लाउड के प्रत्यक्ष अवलोकन की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यह वो स्रोत हो सकता है जो आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करने वाले अधिकांश लॉन्ग पीरियड एंड हेली कॉमेट में धूमकेतुओं की भरपाई करता हो। माना जाता है कि ओट क्लाउड 2000 और 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि लगभग 0.03 लाइट ईयर और 0.08 लाइट ईयर से लेकर के 0.7 लाइट ईयर तक एक विशाल स्थान में फैला हुआ है। ओट क्लाउड में ट्रिलियंस की संख्या में ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकते हैं जिसका रेडियस 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, और बिलियंस की संख्या में ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी संख्या हमें प्राप्त है। ओट क्लाउड का कुल द्रव्यमान अभी तक ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन यह मानते हुए भी कि हेली कॉमेट और बाहरी ओट क्लाउड के भीतर जो कॉमेट मौजूद है उसके लिए एक प्रोटोटाइप है जो कि उसका रफली द्रव्यमान यानी मास है 3×10^25 kg और 6.6×10^25 पाउंड और 5 times डैट ऑफ अर्थ। 1980 के पहले तक इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना से 380 गुना ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन 90 के दशक के वैज्ञानिकों ने इसे गलत प्रूफ कर दिया। फिलहाल भी एग्जैक्ट मास अभी तक इसका कैलकुलेट नहीं किया गया है। अगर बात करें ओट क्लाउड के कंपोजिशन के बारे में, तो ये कॉम्बिनेशन है वाटर, मीथेन, इथेन, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। हालांकि यही सेम कॉम्पोजिशन हमें कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स में भी दिखने को मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओट क्लाउड लगभग 4.6 अरब साल पहले आदिम प्रोटोजेनेट्री डिस्क से ग्रह के निर्माण के बाद विकसित हुआ था। नासा द्वारा हाल के ही शोध का हवाला देते हुए अनुमान लगाया गया है कि बड़ी संख्या में ओट क्लाउड के ऑब्जेक्ट यानी उसके प्रोडक्ट जैसे कुछ एस्ट्रॉइड, कुछ कॉमेट्स और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल किसी और सौर मंडल में प्रवेश कर रहे हैं किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जून 2010 में हैरोल्ड लेविसन और दूसरे सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि सूर्य ने अन्य सितारों से धूमकेतु को पकड़ लिया है जबकि यह अपने जन्म समूह में था। जुलाई सन 2020 में आमिर सिराज और एवी लोयम ने पाया कि सूर्य के जन्म समूह में ओट क्लाउड के लिए एक कैप्चर की गई उत्पत्ति बाहरी ओट क्लाउड के बिखरे हुए डिस्क ऑब्जेक्ट के देखे गए अनुपात को समझने में सैद्धांतिक तनाव को संबोधित कर सकती है, और इसके अलावा कब्जा किए गए ग्रह 9वां की संभावना बढ़ा सकती है यानी 9th प्लैनेट की संभावना हो सकती है। जूलियो एंजल फर्नांडिस एल्प्स नामक एक एस्ट्रोनोमर ने
अपने शोध ग्रंथ में एक कथन का उल्लेख किया है। इनके अनुसार इस मॉडल में बिखरी हुई डिस्क जो सौर मंडल में आवधिक धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है, बेसिकली देखा यह जाता है कि अबाउट हाफ ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट स्कैटर्ड ट्रैवल आउटवर्ड्स टुवर्ड द ओट क्लाउड, वहीं पे एक चौथाई हिस्सा जुपिटर के ऑर्बिट की ओर ढकेल दिया जाता है और वही क्वार्टर यानी एक चौथाई हिस्सा हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में इजेक्ट हो जाती हैं। अगर आपको हाइपरबॉलिक पाथ को समझने में दिक्कत हुई तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ। लेट्स अंडरस्टैंड हाइपरबोला क्या होता है। इसे समझने के लिए आपको तीन चीज़ों को समझना होगा। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स। पहले समझते हैं सर्कल को। वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी तो मैंने इसको सोचा कि ऐसे ही बना देता हूँ। वैसे तुम ध्यान दो, ये सर्कल है और सर्कल का इक्वेशन मैंने यहाँ पे मैंने इक्वेशन बता दिया है, एक सिंपल इक्वेशन है और ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो मेरे हिसाब से सर्कल को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अगला अब आते हैं पैराबोला पे, ठीक। तो पैराबोला में जनरली कुछ होता नहीं, पैराबोला में सिर्फ और सिर्फ हम कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन देखते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है, ये है तुम्हारा फोकस अल्फा बीटा और इसका डायरेक्ट्रिक्स है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड देन इसका टोटल इक्वेशन। और फाइनली देखो इसका यही इक्वेशन है कॉनिक सेक्शन का, पैराबोला में इतना ही होता है। देखो अगर इस इक्वेशन को तुम समझ जाते हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार का इस आगे को समझने में, ठीक है ना। इक्वेशन ही सब कुछ होता है। और ये तुम्हारा है एलिप्स। देखो एलिप्स को समझने के लिए तुम केपलर लॉ का इलेप्टिकल ऑर्बिट है ना उसको तुम समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, किस प्रकार से घूमता था, केपलर लॉ पढ़े हो ना क्लास 8, 9, 10 में, और 11th में भी है तुम्हारा ये ग्रेविटेशन में। इस चीज़ को देखो ध्यान से किस प्रकार का ये है ऑर्बिट है, और मैंने कई कोऑर्डिनेट लिखा है, ये सारे कोऑर्डिनेट है, ए है ए डैस है, ए है बी है बी डैस है, एक्स डैस है और एक्स है। ध्यान से देखना इस कोऑर्डिनेट को अच्छे से देखो, ये फाइनली फिगराइज तुम देख लो, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था वीडियो का, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखूँगा कि अगर अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मैं कर दूँगा। देखो फाइनली इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ई का स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम आ जाओ, एलिप्स मैंने समझा दिया, पैराबोला समझा दिया, सर्कल मैंने समझा दिया, अब तुमको शॉर्ट में समझा देता हूँ हाइपरबोला क्या होता है। देखो मेनली वीडियो इसी पे था कि हाइपरबोला में दो कर्व्स होते हैं, ध्यान देना दो कर्व्स होता है, ये फोकाई हो गया, यहाँ पे भी ये फोकाई हो गया, ये इसके सकम सेंटर पे यहाँ मैंने पॉइंट लिया है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और इसके यहाँ से मैंने अटैच कर दिया। वैसे सिंपली एग्जांपल को समझने के लिए इस फॉर्मूला को बस प्रूफ करने के लिए ये बस मैंने लिया, क्योंकि ये सारे मैंने क्लास 11th में बहुत पढ़ा इसलिए मुझे याद था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब बना करके तुमको मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है, ओके।